तो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है, तो क्या मेक माई ट्रिप 3 गुना रिफंड देता है कि नहीं देता है। तो चलो जानते हैं क्या ये सच है या कोई स्कैम है। सबसे पहले जो मेक माई ट्रिप के जो 3 गुना रिफंड है उसकी मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो सबसे पहली कंडीशन है जो, तो गाइज जो मेक माई ट्रिप में 2x रिफंड मिलेगा आपको अदर देन टिकट रिफंड, वो रिफंड आपको एक वाउचर की फॉर्म में मिलेगा और उसको आप सिर्फ मेक माई ट्रिप में ही यूज़ कर सकते हैं, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते अपने बैंक अकाउंट में। सेकंड कंडीशन ये है कि जो वाउचर आपको मिलेगा उसे आपको 7 डेज में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 7 डे में यूज़ नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन है जो कि है थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन मेरे को काफ़ी बेकार लगती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगता क्या सेंस है इस कंडीशन देने की। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी एक ट्रांसपोर्ट मोड से टिकट बुक की है और अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती और कैंसिल हो जाती है तो आपको रिफंड तो मिलेगा, बट जो आपको रिफंड मिलेगा जो कि आपका होगा 2x वाउचर, उस वाउचर को आप अगर आपने ट्रेन की टिकट बुक की थी और वो आपकी कंफर्म नहीं है, उसके कैंसिल होने के बाद अगर आपको रिफंड मिला है, तो वो वाउचर पर्टिकुलरली वाउचर को आप किसी भी ट्रेन की टिकट बुकिंग के वक्त यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप उस वाउचर को बस की टिकट बुक करने में यूज़ कर सकते, फ्लाइट की टिकट बुक करने में यूज़ कर सकते हो, इवन कि आप अगर कैब की अवेलेबिलिटी है तो आप कैब को बुक करने में भी यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड कंडीशन ये है। और फोर्थ कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल आपने टिकट बुक की, चार्ट प्रिपेयर हो रहा होगा, अगर आपकी टिकट RAC में है जो कि है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फिफ्थ कंडीशन पे चलते हैं। फिफ्थ कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 ट्रेन की टिकटें बुक की और उसमें से 5 जो टिकटें हैं वो कंफर्म हो गई, तो 5 टिकटें आपकी कंफर्म नहीं हुई हैं, जो टिकट कंफर्म नहीं हुई हैं उनका आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो मेक माई ट्रिप का जो ये रिफंड पॉलिसी है, इसमें आप 6,000 से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो ये हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो कंडीशंस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर पढ़ें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। मैंने एक टिकट बुक की थी, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, मैं माई ट्रिप में जाता हूँ। ये देखो कैंसिल हो गई थी मेरी टिकट, ये टिकट मैंने बुक की थी मथुरा से लेके बठिंडा जंक्शन तक, और जो ट्रेन थी वो थी पंजाब में। यहाँ पे आप देख सकते हो 590 रुपीज़ का मुझे ट्रैवल वाउचर मिल चुका है, जो फ्यूचर की ट्रैवल जर्नी होगी उसमें यूज़ कर सकता हूँ। और नीचे देखो रिफंड प्रोग्रेस 275 जो कि मैंने टिकट के लिए पे किया था, ये सब मैंने रिफ़ंड कर दिया था। और अब मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर मेरे को ट्रेन में से रिफ़ंड मिला है तो वो मैं ट्रेन की नेक्स्ट बुकिंग में यूज़ नहीं कर सकता, वो मुझे अल्टरनेट या अदर ट्रैवल मोड में यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं दिल्ली से आगरा टुमारो, सही है, सर्च करें तो ये ताज एक्सप्रेस ऊपर पड़ी हुई है, और इसकी जो जनरल जो इसकी वेटिंग लिस्ट है वो है 101। तो यहाँ पे हम जाते हैं, फैचिंग डिटेल्स आ रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं आती है, इवन कि अगर आप सोच रहे हो कि प्रोसीड टू पेमेंट के बाद मिलेगी तो भी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड ऑल आ गया, यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं दी गई है कि आप वाउचर के मनी को यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब मैं बस की टिकट की आपको दिखाता हूँ, बस की टिकट भी सेम ही हम रूट कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये वाली माइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बुक हम करते हैं ट्रेन टिकट। वाउचर में हमारे 590 रुपीज़ पड़े हैं, तो ये याद रखना आप, 699 वाली ट्रेन टिकट बुक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पिक पॉइंट हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे आ गया ना ऑफ़र डिस्काउंट, ये है हमारा वाउचर का जो कूपन कोड, इसे अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये देखो गाइज नीचे देखो, तो गाइज अब हमें पे करना है 109 रुपीज़, 590 हमारे वाउचर के जो अमाउंट थी वो इसमें से ऑफ़र के साथ डिडक्ट हो जाएगी, तो जो फाइनल प्राइस हमें पे करना पड़ेगा 109। तो इसी तरीके से फ़्लाइट का भी, अगर कैब अवेलेबल होगी तो वहाँ पे कैब का भी ऑप्शन आ जाएगा, बट ये ट्रेन में आपको ये वाला वाउचर आप यूज़ नहीं कर सकते, और ये वाउचर आपको 7 डेज़ में यूज़ करना है। गाइज ये था मेक माई ट्रिप का 3 गुना रिफंड का सच। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यह सच में ही 3 गुना रिफंड है या कोई स्कैम फंड है। तो गाइज वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब